मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस। देखो सो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हर घर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डायलॉग बोलता हूँ, बट जो आज मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ, इसके लिए ना ही मेरे पास कोई डायलॉग है और ना ही मेरे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड है जो इस घर की ब्यूटी को डिफाइन कर पाए। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का एक क्लिप दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अंदाजा लगाओगे कि ये घर कितना ब्यूटीफुल, स्पेशियस और लग्जरी रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर का टूर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार घर का एरिया बता देता हूँ। 500 गज में घर बना हुआ है। जो डिमेंशंस रहेगी इसकी 50x90 के अप्रॉक्सीमेट रहेगी। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, सेक्टर 8 पंचकुला रहेगा, जो कि एक प्राइम सेक्टर है। अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम भी यहाँ से देखोगे तो हिल एरिया का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। बरमेरी से स्टार्ट करते हैं। बरमेरी ही आपको इतना स्पेशियस बनाया हुआ है कि आपकी ईजिली 2 गाड़ियाँ बाहर लग जाएंगी। नीचे आपको छोटी छोटी LED लाइट्स लगाई हुई हैं रात को बहुत अच्छा लुक देने के लिए। अगर आप रेलिंग भी देखोगे बाहर की या गेट की देखोगे तो उसको मिक्स मैच कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी लुक दे रही है ये भी। गेट्स भी जो रहेंगे हमारे, 2 गेट्स रहेंगे, एक हमारा लेफ्ट में रहेगा, एक हमारा राइट में रहेगा। जो लेफ्ट में है उसकी हमने एंट्री सर्वेंट के लिए रखी हुई है। राइट्स में जो गेट रहेगा, एक हमारी छोटी एंट्रेंस रहेगी, एक हमारा स्लाइडिंग गेट रहेगा जिसको आप रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट से ही कंट्रोल हो जाएगा, ईजिली आपकी अंदर बड़ी SUV गाड़ियाँ अंदर आराम से लग जाएंगी। अंदर जाने से पहले फ्रंट एलिवेशन से शुरू करते हैं। अगर आप फ्रंट एलिवेशन भी देखोगे तो उसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। जो राइट साइड का सेक्शन है उसको हमने ब्रिक टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है, उसी के हिसाब से बालकनी का साइज रखा हुआ है। उसके ऊपर टफन ग्लास है, साथ में ही रेलिंग लगाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ये भी। लेफ्ट साइड में आ जाएं, जो लेफ्ट साइड में टाइलिंग है उसको हमने मार्बल लुक में रखा है, तो काफ़ी ह्यूज आपको साइज मिल जाता है बालकनी का भी। ऊपर जो ग्लास विंडोज़ हैं वो भी मैसिव रहेगी कि आपकी फ्रंट एलिवेशन जो है वो मॉडर्न तरीके से दिखे। सबसे ऊपर आपको वुडन फॉसलिंग मिल जाती है, बीच में आपकी LED लाइट्स रहेंगी। अगर आप रात को व्यू देखोगे तो घर का अल्टीमेट आएगा। ये हमारी मेन एंट्री रहेगी। लेफ्ट साइड में हमने फ्लावर्स वगैरह लगाने के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, साथ में इस साइड भी आप देखोगे तो वुड का यूज़ किया हुआ है। काफ़ी मैसिव विंडोज़ हैं आपकी सनलाइट प्रॉपर अंदर जाने के लिए। मेन एंट्री यहाँ से रहेगी, यहाँ से ही आपको इटालियन मार्बल शुरू हो जाएगा। जो सर्वेंट रूम की बात कर रहा था मैं, वो उसकी एंट्री बाहर से ही रहेगी, राइट साइड से। ऊपर भी आपको फॉसलिंग मिल जाती है, साथ में आपकी LED लाइट्स रहेंगी। बाहर से ही आपको जो स्विच हैं वो आपके टच वाले शुरू हो जाते हैं। इस साइड भी आप देखोगे तो वुड का यूज़ किया हुआ है। अब इस साइड हमारी मेन एंट्री आता है, जो कि मैसिव एंट्री रहेगी। गेट का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर लेदर यूज़ किया हुआ है, क्रीम कलर का लेदर है, साथ में ही वुडन कलर का लेदर है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। जैसे हम मैसिव डोर से एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमारा फॉर एरिया आता है। जो साइज रहेगा इसका 7 फुट का रहेगा। अब इसको भी देखिए हमने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर हमने वुडन फॉसलिंग दी हुई है, बीच में उसके LED लाइट्स रहेंगी। साइड वॉल भी देखोगे तो उसको भी हमने प्रीमियम लुक देने के लिए ऊपर इटालियन मार्बल दिया हुआ है, साथ में ही वुड दी हुई है। एक बार मैं आपको घर का नक्शा समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड में हमारे ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, साथ में उसके पूल रहेगा और बार एरिया रहेगा। राइट साइड में गेस्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, बीच में लिफ्ट रहेगी, बिल्कुल सामने हमारा ओपन किचन रहेगा। तो स्टार्टिंग हम ड्राइंग एरिया से करते हैं। जो ड्राइंग एरिया का साइज है 16.5x16 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। काफ़ी स्पेशियस साइज है, जिसके अंदर
10 सीटर सोफा सेट आराम से लग जाएगा यू शेप में, बीच में आपका सेंटर टेबल भी लग जाएगा, फिर भी आपको वॉकिंग स्पेस काफ़ी बच जाएगी। ड्राइंग के लिए को भी देखिए हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। एक तरफ हमने पूरी वॉल प्लेन छोड़ी हुई है जिससे आपको पूरा व्यू मिलता है पूल का, बीच में हमने ग्लास लगाया हुआ है और इस साइड आप देखोगे तो वुडन पार्टीशन रहेगी। फॉल्सलिंग भी एक बार आप देख लीजिए, कॉर्नर में आपको वुडन फॉल्सलिंग मिल रही है, बीच में आपकी एम्बियंट लाइट भी रहेगी और LED लाइट्स भी रहेगी। पूरे घर में कूलिंग प्रॉपर रखने के लिए हमने सेंट्रलाइज AC दिए हुए हैं, जैसे आपका ड्राइंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, उनके लिए सेंट्रलाइज AC रहेंगे। आगे चलते हैं, राइट साइड में हमारे गेस्ट बेडरूम है। अब गेस्ट बेडरूम की एंट्री भी देखिए कितनी अच्छी रखी हुई है, जिस तरह से फॉर एरिया डिज़ाइन किया हुआ उससे ही मिक्स मैच कर दी हुई है। अंदर चलते हैं, जो गेस्ट बेडरूम का साइज है सेम रहेगा ड्राइंग एरिया के साथ में, 16x16 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा, तो स्पेशियस है, बीच में आपका बेड लग जाएगा, फिर भी आपको काफ़ी स्पेस बच जाएगी जिसके अंदर आप सोफा सेट आराम से रख सकते हो। पीछे वॉल में आपको POP का काम मिल रहा है, सेम डिज़ाइन ऊपर फॉल सीलिंग में भी आप देखोगे, बीच में आपकी LED लाइट्स रहेगी, सेंटर में हम आपको झूमर लगा के दे रहे हैं। इस साइड LED पैनल भी आप देखोगे तो उसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा रखा हुआ है, नीचे आपकी स्टोरेज रहेगी, सामने आपकी LED लग जाएगी। अब इस घर में वॉशरूम भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जो वॉशरूम का साइज है वो भी 11x11 के अप्रॉक्सीमेट रखा गया है, तो स्पेशियस है। इस साइड हमने कबर्ड्स बनाए हुए हैं, कबर्ड्स भी आप देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम रखे हुए हैं। इस साइड हमारी फिटिंग है, ऊपर आप देखोगे तो क्वाड लगाया हुआ है, जो फिटिंग रहेगी सारी पूरी प्रीमियम कॉलर की रहेगी। इस साइड हमारा ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग सेक्शन है, इसमें भी आप देखोगे तो लुकिंग मिरर मिल जाता है, इस साइड भी आपका लुकिंग मिरर रहेगा, नीचे आपकी स्टोरेज रहेगी। इस साइड हमारा बाथ एरिया है, पूरे घर के वॉशरूम में आपको बाथ एरिया में रेनशॉवर मिल रहे हैं, ये भी आपके कॉलर के रहेंगे। आगे चलते हैं, जितनी आप फ्लोरिंग देख रहे हो, जितनी भी देख रहे हो, पूरे घर में आपको इटालियन मार्बल मिल रहा है। वॉल्स में भी आप देखोगे तो बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं आपकी प्रॉपर सनलाइट रखने के लिए और वेंटिलेशन रखने के लिए। ये हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है, इस साइड हमारा डाइनिंग सेक्शन है, इस साइड हमारा लिविंग सेक्शन है। जो साइज़ रहेगा इसका 20x22 के अप्रॉक्सीमेट रखा गया है। सामने हमने क्रॉकरी अलमीरा बनाई हुई है, उसके ऊपर भी आप देखोगे तो अल्मीनियम के ऊपर लैकर ग्लास यूज़ किया हुआ है, बीच में जो लाइटनिंग देख रहे हो आप वो प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की गई हैं। ऊपर आप फॉल्सलिंग में भी देखोगे तो झूमर के साथ में ऊपर आपको वुडन फॉल्सलिंग मिल रही है, इसके अंदर भी आपको 12 सीटर आपका डाइनिंग टेबल आराम से लग जाएगा। अब पाउडर रूम की बात कर लेते हैं, पाउडर रूम की भी आप देखोगे एंट्री देखोगे तो बहुत अच्छी रखी हुई है, सामने से देखने से लगता नहीं कि ये पाउडर रूम है। साइज भी इसका डिसेंट रहेगा, जो कलर थीम रहेगा इसमें ब्लू और ब्राउन का रखा गया है, फिटिंग भी आप देखोगे कॉलर की है और सारी ही प्रीमियम रहेगी। ऊपर आपको शैंडलियर भी मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। इस साइड हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया को ओपननेस ज़्यादा रखने के लिए डबल हाइटेड आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, जिसके अंदर आपका 5 सीटर सोफा सेट आराम से लग जाएगा। सामने हमने डिज़ाइन किया हुआ है LED पैनल, LED पैनल के पीछे भी आप देखोगे जो वॉल देख रहे हो इसके ऊपर मार्बल यूज़ किया हुआ है, ये आपका LED पैनल रहेगा। LED पैनल भी आपका ऊपर तक जाता है, ऊपर आपको वुडन फॉल्सलिंग मिल जाती है, बीच में आपको शैंडलियर मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी लुक देने के लिए, नीचे आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। इस साइड हमारा पूल एरिया है, पूल एरिया लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम इस साइड देख लेते हैं। इस साइड हमने डिज़ाइन किया हुआ है जिसके ऊपर आप फ्लावर पॉट्स वगैरह रख सकते हो, काफ़ी अच्छे से तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भी आप देखोगे तो अलग डिज़ाइन की हैं, बीच में प्रोफाइल लाइट्स रहेंगी, ऊपर इसके इटालियन मार्बल रहेगा वुड के साथ में। इस साइड हमारा ओपन किचन का कंसेप्ट है, साइज इसका भी काफ़ी अच्छा रहेगा, 14x16 के अप्रॉक्सीमेट साइज रखा गया है, तो स्पेशियस साइज है। फिटिंग सारी आपकी सॉफ्ट क्लोज के साथ में रहेगी, हॉब भी इनबिल्ट मिल रहा है आपको, चिमनी भी। इस साइड आपका ड्राई सेक्शन है, वेट सेक्शन आपका बाहर रहेगा। ब्रेकफास्ट टेबल इस साइड दिया हुआ है, ऊपर भी आपको स्पेस है जिसके अंदर आप कॉफ़ी कप्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से रख सकते हो, तो डिज़ाइन में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं ये भी। इस साइड हमारा क्रॉकरी अलमीरा है, उससे ही आपको बाहर निकल जाएगी, ऊपर इसके भी लैकड़ ग्लास लगाया हुआ है,
इससे स्टोरेज स्पेस है, इनबिल्ट ही आपको माइक्रोवेव मिल जाता है, नीचे आपका ओवन रहेगा, इसके आगे ही हमारी स्टोरेज भी रहेगी। उसके आगे सेक्शन है जिसमें आप रेफ्रिजरेटर अपना रखोगे, डबल डोर आपका आराम से आ जाएगा। पीछे आप वॉल में भी देखोगे तो टाइलिंग यूज की हुई है, प्लेन वॉल नहीं छोड़ी हुई। पेंट्री सेक्शन हमारा इस साइड रहेगा जिसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। सिक्योरिटी के लिए जैसे आप मैंने बाहर आपको कैमराज दिखाए थे, उसका एक्सेस यहाँ से दिया हुआ है। और एसी वगैरह जैसे बाहर तो आपके सेंट्रलाइज रहेंगे, किचन में हमने अलग दे दिया हुआ है आपको। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, 14x18 के अप्रॉक्सीमेट साइज रहेगा। इसको भी हमने देखिए किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, बीच में हमने स्पेस छोड़ी हुई है जिसके अंदर आप बेड लगा सकते हो आराम से। साइड्स में हमने इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है वुडन के साथ में, बीच में ग्लास दिया हुआ है। ये डिज़ाइन बिल्कुल ऊपर जाता है, फिर फॉसलिंग के साथ में मिक्स हो जाता है और उसके आगे ही LED पैनल में जाता है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये आपको देता है। LED पैनल आपका सामने रहेगा, ये भी वुड में रहेगा। LED अभी लगनी बाकी है, उसके लिए ऊपर रखी हुई है। पीछे आपको मैसिव विंडोज हैं सनलाइट आपकी प्रॉपर रखने के लिए और वेंटिलेशन प्रॉपर रखने के लिए। वेंटिलेशन के लिए मैश डोर रहेगा साथ में। जैसे गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम बहुत अच्छा था, बढ़िया था, स्पेशियस था, उसी तरह से मास्टर बेडरूम का भी रहेगा, जो इसका साइज रहेगा 11x12 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। थीम इसका कलर थीम इसका चेंज कर दिया हुआ है, वाइट का रहेगा और ग्रे का रहेगा। इसमें आप जो कबर्ड्स हैं उसका डिज़ाइन देखोगे तो वो आपके एल्युमिनियम के रहेंगे, प्रीमियम एल्युमिनियम के रहेंगे। ऊपर आपको लैकड़ ग्लास दिया हुआ है, अंदर भी आपको मैसिव स्टोरेज मिल जाती है। ऊपर आपको LED लाइट्स लगाई हुई हैं, अगर आप इस साइड से भी देखोगे तो प्रॉपर आपकी लाइट अंदर जाती है, नीचे भी स्टोरेज रहेगी। इस साइड वैनिटी सेक्शन आ जाता है, वैनिटी भी आप देखोगे जो सैनिटरी फिटिंग है पूरी कॉलर की रहेगी और प्रीमियम कॉलर की रहेगी। ऊपर हमने क्वार दिया हुआ है, नीचे भी स्टोरेज रहेगी। बाथ एरिया इस साइड आ जाता है, टॉयलेट एरिया इस साइड आ जाता है, इसमें भी रेन शायर आपको ऊपर मिल जाता है। आगे चलते हैं, अब पूल एरिया कवर कर लेते हैं। इस साइड हमारा पूल एरिया है, अब पूल एरिया का जो साइज है काफ़ी अच्छा बड़ा रखा गया है, 14x20 के अप्रॉक्सीमेट साइज रहेगा इसका। अगर आप पूल एरिया भी देखोगे तो डबल हाइटेड रहेगा, ऊपर हमने वुडन इंटीरियर किया हुआ है, बीच में हमने काफ़ी अट्रैक्टिव शैंडल लगाए हुए हैं जो कि रात को आपको काफ़ी अच्छी लुक देंगे। साइड वॉल देखोगे तो उसके ऊपर स्टोन्स लगाए हुए हैं, बीच में हमने स्पेस छोड़ी हुई है जिसके अंदर LED लाइट्स हैं। इस एरिया को हमने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जैसे आपने पार्टीज़ वगैरह करनी है, पूल पार्टीज़ करनी है, तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही काफ़ी अच्छी गैदरिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाकर। अगर आपने ड्रिंक्स वगैरह रखनी है तो उसके लिए हमने बार एरिया सेपरेट दिया हुआ है। पीछे आपका बार एरिया रहेगा, स्पेशियस रहेगा। इस साइड आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। सिंक अभी लगना बाकी है, ऊपर भी इसके इटालियन मार्बल रहेगा। इस साइड पीछे हमारा वॉशिंग एरिया है, साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा है, 10 फुट के अप्रॉक्सीमेट रहेगा साइज। इसको आप जैसे पार्टीज वगैरह कर रहे हो तो इसको आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हो अपना। पीछे हमने LED लाइट्स लगाई हुई हैं, पार्टीज वगैरह आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, सिटिंग एरिया यहाँ पे रह गया आपका। बाहर ये देखिए आप ऊपर भी देखोगे तो वुडन फॉर सीलिंग मिल रही है, बीच में आपकी LED लाइट्स हैं। इसको देने का मतलब था कि आपकी जो प्राइवेसी है वो भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, ऊपर से हमने कवर कर दिया हुआ है। विंडो भी देखिए आप किस तरह से दी हुई है, एक तो आपकी जैसे पार्टीज वगैरह करनी है तो ओपननेस भी ज़्यादा रहे, वेंटिलेशन भी घर में प्रॉपर है, उसके लिए भी ये विंडो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसको भी आप पूरी वॉल पे खोल सकते हो, ये आपकी बंद हो जाएगी। बीच में इसके आप टफन ग्लास रहेगा। अब स्टेयर्स देख लेते हैं एक बार दोबारा। स्टेयर्स में भी आपको इटालियन मार्बल रहेगा। इस साइड हमने पूजा के लिए स्पेस बनाई हुई है, पूजा के लिए स्पेस भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है। बीच में आप जैसे भगवान की फ़ोटो लगानी है तो वो लगा सकते हो, POP का काम है, नीचे आपकी स्टोरेज है। इस साइड ऊपर फॉसलिंग भी मिल रही है, इसमें ग्लास पार्टी के साथ में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। स्टेयर्स में भी आपको रोप्स मिल रही हैं जो आयरन रोप्स होती हैं, उसके ऊपर हमने इस साइड देखोगे तो इटालियन मार्बल है, नीचे उसके वुड रहेगी। ऊपर चलते हैं,
स्टेयर्स में भी आपको सेम प्रोफाइल लाइट्स रहेंगी, ऊपर इस साइड भी डिजाइन सेम रहेगा। जैसे ही आप ऊपर आते हो लिफ्ट का सेक्शन इस साइड में रहेगा, जो कि मैं आपको नीचे दिखाना भूल गया था। ये हमारा ऊपर का लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सोफा सेट बेशक उस साइड लगा लीजिए, इस साइड लगा लीजिए, सीधा आपको पूल का व्यू मिलता है। जैसे आप नीचे पार्टी वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं वो आराम से इंजॉय कर सकते हैं। डबल हाइटेड दिया हुआ है हमने लिविंग एरिया। फॉसिलिंग का डिजाइन देखोगे उसको भी डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में, एक साइड हमने वुडन रखी हुई है, एक साइड प्लेन रखी हुई है। सेम शैंडलर रहेगा, शैंडलर भी आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से लुक में लगाया हुआ है। इस साइड भी हमारा सेम शैंडलर रहेगा। दो बेडरूम्स आगे रहेंगे, एक बेडरूम मास्टर पीछे रहेगा। तो सबसे पहले इस साइड कवर करते हैं जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम बोल लीजिए, बेशक आप इसको किड्स बेडरूम बोल लीजिए। साइज भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, किंग साइज बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस आपको बच जाएगी। नीचे आप इसमें फ्लोरिंग देखोगे तो वो चेंज रहेगी, जो डिज़ाइन है रहेगा इटालियन मार्बल ही, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। सामने आपका एलईडी पैनल है, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन वाइट और ब्राउन का रखा गया है। फॉसलिंग का ऊपर डिज़ाइन रहेगा, साथ में एम्बिएंट लाइटिंग भी रहेगी। सामने ही आपको विंडोज हैं सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर रखने के लिए। बालकनी जो इसकी गेस्ट बेडरूम या किड्स बेडरूम की है काफ़ी स्पेशियस है, जिसके अंदर आप चेयर्स वगैरह आराम से लगा सकते हो। जैसे सुबह की चाय वगैरह एंजॉय करनी है तो इतनी स्पेस है कि आप दो चार चेयर्स आराम से लगा सकते हो। इस साइड इसका ड्रेसिंग सेक्शन है, ड्रेसिंग सेक्शन में भी आप देखोगे कबर्ड्स का डिज़ाइन देखोगे तो वो चेंज हो जाता है, वाइट और ब्राउन में रहेगा जैसे एलईडी पैनल था। इस साइड स्टोरेज आपको काफ़ी ह्यूज है। इस साइड ड्रेसिंग सेक्शन है, लुकिंग मिरर भी आपको दो मिल रहे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है, ये फुल वॉल है। नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, ये आपको बैठने के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। इस साइड हमारा वॉशरूम आ जाता है, किड्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस रहेगा। कलर थीम इसका चेंज कर दिया गया है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे में कर दिया गया है चेंज। सैनिटरी फिटिंग सारी सेम रहेगी, कलर की डिज़ाइन उसका चेंज हो जाता है। बाथ एरिया इस साइड रहेगा, इसमें भी ग्लास पार्टीशन के साथ में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। लुकिंग मिरर का डिज़ाइन भी चेंज रहेगा, उसके पीछे ही आपको वुड का यूज दिया गया है। इस साइड हमारा गेस्ट बेडरूम इसको बोल दीजिए, उस साइड हमारा मास्टर बेडरूम है। तो जो गेस्ट बेडरूम का साइज है, जैसे नीचे था 16x16, सेम साइज रहेगा, स्पेशियस साइज है। बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस आपको बच जाती है। पीछे हमने वॉल पे इंटीरियर का काम किया हुआ है, बीच में ग्लास का यूज़ किया हुआ है। सामने आपका एलईडी पैनल रहेगा, जैसे आपने किड्स बेडरूम में देखा था एलईडी पैनल, वैसे ही डिज़ाइन का है, बट इसका जो कलर थीम है वो चेंज हो जाता है, पीछे इसके ग्रे आ जाएगा। ऊपर फॉसलिंग का डिज़ाइन भी चेंज हो गया, प्रोफाइल लाइट्स एम्बियंट लाइट लगाई हुई हैं, साथ में एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं। जो डिज़ाइन है उसका पूरा वॉल के पीछे तक जाता है। इस साइड बालकनी का जो सेक्शन है वो डिवाइड रहेगा, उसकी बालकनी अलग थी, इसकी बालकनी अलग दी हुई है सेपरेट। वॉशरूम का डिज़ाइन अब देख लेते हैं, जैसे नीचे आपने वॉशरूम देखा था स्पेशियस गेस्ट बेडरूम का, वही सेम साइज रखा गया है। इसमें कलर थीम चेंज हो जाता है, जैसे मार्बल हो गया, मार्बल का डिज़ाइन चेंज हो गया, लुकिंग मिरर का डिज़ाइन चेंज हो गया, सैनिटरी फिटिंग सेम है, वैनिटी का डिज़ाइन चेंज हो गया, इस साइड भी लुकिंग मिरर का डिज़ाइन चेंज हो गया, नीचे स्टोरेज रहेगी। कबर्ड्स भी देखोगे, कबर्ड्स में आपको लैकर्ड ग्लास दिया हुआ है, बीच में आपकी प्रोफाइल लाइट्स रहेगी। इस साइड आपका बाथ एरिया सेम रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल सामने हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम का जो साइज है काफी स्पेशियस है, 14x26 के अप्रोक्सीमेट साइज रहेगा। किंग साइज बेड लगने के बाद यहाँ पे भी स्पेस है, आप सोफा सेट रख लीजिए, स्टडी टेबल बना लीजिए, जो मर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हो स्पेस को। नीचे इसमें भी आप देखोगे तो इटालियन मार्बल का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पीछे आपको पीओपी का काम है, इस साइड भी आपको इटालियन मार्बल दिया हुआ है जहाँ पे आपका बेड लगेगा। इस साइड भी इटालियन मार्बल का लुक है, बीच में आपका वुड का लुक है। सामने आपका टीवी पैनल है, टीवी पैनल का भी डिज़ाइन देखोगे तो वो भी चेंज हो गया। स्टडी टेबल आपका यहाँ बन गया, सिटिंग एरिया वहाँ बना सकते हो। इस साइड स्पेस छोड़ी हुई है, जैसे आपने बुक्स वगैरह रखनी है तो वो रख सकते हो आराम से। सामने आपकी बड़ी एलईडी लग जाएगी, नीचे स्टोरेज स्पेस रहेगी।
फॉसलिंग का डिज़ाइन भी इसमें चेंज रहेगा। जो सिटिंग एरिया बेडरूम का है उसका डिज़ाइन फॉसलिंग का चेंज है, बेडरूम का डिज़ाइन चेंज हो गया। इस साइड इसका वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। जो कलर थीम रहेगा इसमें डार्क ग्रे और गोल्डन में रखा गया है। इस साइड आपके स्लाइडर वार्डरोब्स आ गए, स्पेस काफ़ी रहेगी। इस साइड लुक मिरर आ गया, नीचे आपकी स्टोरेज आ गई, बिल्कुल सामने भी आपके वार्डरोब्स रहेंगे स्लाइडर। इस साइड इसकी फिटिंग आ गई, सैनिटरी फिटिंग आ गई, वो भी आप देखोगे तो कॉलर की रहेगी, जो प्रीमियम आती है गोल्ड आती है सीरीज वो लगी हुई है। नीचे आपकी फिटिंग रहेगी, नीचे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है। इस साइड बाथ एरिया है, उसके ऊपर भी आप देखोगे तो रेनशार दिया हुआ है। इस साइड सेक्शन छोड़ा हुआ है जिससे आपकी सनलाइट, नेचुरल सनलाइट अंदर आएगी, वेंटिलेशन के लिए ऊपर हो रहेगी, ढक रहेगा। ये हमारा सिटिंग एरिया है जिससे ऊपर आप देखोगे तो फॉसलिंग का डिज़ाइन चेंज हो गया, शैंडलर भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है। अब एल शेप में विंडो है, इसका बेनिफिट क्या है, सनलाइट प्रॉपर रखने के लिए, वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर रखने के लिए। बालकनी भी छोड़ी हुई है, नीचे आपका पूल है तो वो इंजॉय करने के लिए। इतनी ह्यूज आपकी विंडो खुल जाती है, तो आप यहाँ पे सिटिंग एरिया आप बना लीजिए, चेयर वगैरह लगा लीजिए, सामना आपका आपका पूल का व्यू है, ऊपर आपके काफ़ी ब्यूटीफुल चैंडल लगाए हुए हैं, ऊपर आपका डिज़ाइन रहेगा, वुड का डिज़ाइन रहेगा। पीछे भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, बालकनी का काफ़ी मैसिव रहेगी, पीछे आप वॉशिंग मशीन अपनी रख सकते हो, यहाँ पे भी डिज़ाइन दे दिया हुआ है। अब ये हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कवर कर लिया, अब हम उस सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे आप अपने गेस्ट वगैरह के साथ या बच्चों के साथ मूवीज़ वगैरह इंजॉय करोगे। अगर आपके गेस्ट वगैरह आए हैं, फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, वो पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, पूल एरिया में नहीं करना चाहते, सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसका भी सेक्शन हमने अलग बनाया हुआ है, जिसके अंदर जकूजी वगैरह हो गई, सारा कुछ फिटिंग रखी हुई है, तो वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। लिफ्ट से ही चलते हैं हम ऊपर, लिफ्ट भी जो आपकी रहेगी वो भी ब्रांडेड रहेगी, वारंटी के साथ में ही रहेगी। इसमें सेक्शन में भी आपको वुड का यूज दिया हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको जाके दिखाता हूं। जैसे ही आप ऊपर एंटर करते हो तो सबसे पहले नीचे देखोगे इटालियन मार्बल का जो डिजाइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाहर की एंट्री इस साइड से रहेगी, जो सिटिंग एरिया बाहर का वो इस साइड से रहेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। ये हमारा सेक्शन है, ऊपर वाला किचन एरिया है, ऊपर भी आपको इटालियन मार्बल रहेगा, ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हो, वैसे ही आपको बाहर एरिया अंदर भी मिल जाता है, नीचे स्टोरेज स्पेस रहेगी। इस साइड हमारा जकूजी है और शार एरिया है, जकूजी भी आप देखोगे तो काफ़ी इंपोर्टेड जकूजी लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी लाइटनिंग के साथ में है, जहाँ पे आप अपने गेस्ट वगैरह जो आप अपने खुद के लिए इंजॉय करना है तो यहाँ पे आप सिटिंग एरिया में काफ़ी अच्छे से रख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो। ये हमारा काफ़ी ह्यूज साइज का शार एरिया है जिसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है। ऊपर आप शार एरिया का सेक्शन भी देखोगे, इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर लाइटनिंग भी चेंज हो जाती है। अगर आपने शार एरिया का फ्लो चेंज करना है तो वो भी आप ब्लूटूथ से कर सकते हो, जैसे मर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको। ये आपने वैनिटी है, वैनिटी का डिज़ाइन भी आप देखोगे तो 7-स्टार होटल में भी ऐसा डिज़ाइन नहीं होता। इस तरह से हमने चीज़ें छोटी छोटी उठाई हुई हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है ये भी। अब ये हमारा सेक्शन है जो मूवी थिएटर का सेक्शन है, आपने मूवी थिएटर के गेट्स देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ऊपर तक आपकी फॉसलिंग का डिज़ाइन भी सेम ही रहेगा प्रोफाइल लाइट्स के साथ में। जैसे ही आप खोलते हो राइट साइड में हमारे बार एरिया है और इस साइड हमारा मूवी थिएटर का एरिया है जहाँ पे प्रोजेक्टर के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। नीचे आप मूवी थिएटर के एरिया में देखोगे तो वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं हम, सामने आपका प्रोजेक्टर लग जाएगा। बार एरिया हमारा इस साइड है, बार एरिया के ऊपर भी आपको इटालियन मार्बल मिल जाता है। इस साइड ग्लास विंडो, ग्लास पार्टीशन है जिसके अंदर आप बॉटल्स वगैरह रखोगे। नीचे आपको स्पेस छोड़ी हुई है रेफ्रिजरेटर के लिए, वैसे स्टोरेज स्पेस भी बनाई हुई है। इस साइड भी स्पेस है ऊपर बॉटल रखने के लिए, इस साइड भी रहेगी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रखने के लिए। पीछे मैसिव विंडो है, जैसे आपने सनलाइट अंदर प्रॉपर आ सके, वेंटिलेशन प्रॉपर आ सके, तो उसके लिए भी विंडोज रहेंगी।
बाहर एक बार मैं आपको सिटिंग एरिया भी दिखा देता हूं। ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन है जिसको हमने ओपन सिटिंग एरिया में रखा हुआ है, इसको आप जिस तरह से मर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। ये देखिए ये स्पेस बनाई हुई है, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। सर्वेंट रूम की एंट्री वहाँ से रहेगी, वो बाहर से ही रखी गई है। दो सर्वेंट रूम है, उसके साथ में दो वॉशरूम है। इस साइड भी हमने स्पेस छोड़ी हुई है, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। साथ में ही आपको लाइट्स LED लाइट्स रहेंगी ऊपर के लिए, वहाँ से स्टेज रहेंगी। ऊपर भी आपको सोलर सिस्टम मिल रहा है 3 किलोवाट का। साथ में पूरे बेडरूम्स में आपको AC रहेंगे 1.5 टन के। वॉशरूम में भी AC है, किचन एरिया में भी AC है। आपने फीचर्स देख लिए। आपको घर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे ओपिनियन में तो 7-स्टार होटल से कम नहीं है। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा पोर्शन वो लगा बाहर एरिया का, जो कि नीचे था पूरे एरिया के साथ में, वो सबसे अच्छा सेक्शन मेरे को लगा। आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच।